हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं पंजाबी कढ़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो उसके लिए मैंने लिया है हाफ कप बेसन, इसमें हमारा जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर, साथ इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं कर्ड, 1.5 कप्स। अगर आपके पास मट्ठा हो ना तो आप मट्ठा भी डाल सकते हैं, यानी कि लस्सी। विस्क कर लेते हैं इसे अच्छे से विस्क करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसे भी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। हमारा जो कढ़ी का बैटर है ना वो बन गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाना। पैन में डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल के गरम होने पर अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चुटकी हींग, साथ इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, यानी कि राई, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून मेथी दाना, साबुत लाल मिर्चें, साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसको एसिडिक प्रॉब्लम होती है ना, अजवाइन और हींग से वो नहीं होती। सौते कर लेते हैं इसे। साथ ही अब इसमें हमारे जाएंगे करी पत्ते, खूब सारे करी पत्ते आप जरूर डालिएगा। जो बैटर हमने बनाया था डाल लेते हैं वो, और बैटर डालते ही साथ ही इसमें हम डालेंगे पानी। जो पानी जाएगा ना इसमें तकरीबन 1 लीटर जाएगा। टू फ्लेम इस स्टेज पर मेरी लो है, 3। एक बार विस्क कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा ना, जो बैटर है वो पैन से लग जाएगा। जिस कप से मैंने दही और बेसन मेजर किया था ना फ्रेंड्स, उसी कप से मैंने डाला है 4 कप पानी। जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो आप सेम कप को यूज कीजिए, यानी कि आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स मेजर कर रहे हैं ना एक रेसिपी के लिए, उसके लिए सेम कप आप यूज कीजिए। इसे हम बॉयल आने देते हैं और विस्क करते रहेंगे, अदरवाइज क्या होगा ना, जो आपकी दही है वो फट जाएगी। अभी कढ़ी आपको काफी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे पकेगी ना वैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि कढ़ी को पकने में काफी देर लगती है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी डार्क हो गया है जैसे जैसे ये कुक हो रही है। कढ़ी में हमारा अच्छा बॉयल आ गया है, फ्लेम को कर देते हैं लो और कढ़ी को हम पकने देते हैं लो फ्लेम पर। बीच बीच में ना हम स्टेयर कर देंगे कढ़ी को, लिड से कर देते हैं कवर। फ्रेंड्स, कढ़ी बनाते हुए कुछ खास टिप्स का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी दही है ना वो खट्टी हो, फ्रेश कट मत यूज कीजिए, आप एक दिन पहले का कट यूज कीजिए। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश कर्ड है तो आप कढ़ी बनाने से पहले उसे फ्रिज से निकाल दीजिए 3-4 घंटे पहले, और उसे किसी गर्म जगह पर रख दीजिए, तब भी आप वो कट यूज कर सकते हैं। सेकंड, इसकी विस्किंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए बैटर में। जब आप इसे विस्क कर रहे हो ना तो बहुत अच्छे से इसे विस्क करिए, तभी आपकी कढ़ी अच्छी बनेगी। कढ़ी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम कढ़ी को स्टेयर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। कढ़ी को पकने में ना तकरीबन 20 से 25 मिनट आराम से लग जाते हैं। वापस इसे लिड से कवर कर देते हैं और फिर इसे हम कुक होने देते हैं। इतने हमारी कढ़ी पक रही है ना, इतने हम बना लेते हैं बेसन के पकौड़े, कोफ्ते। तो उसके मैंने लिया है 1 कप बेसन। अब इसमें हमारे जाएंगे मसाले, नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून। साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ एक खास इंग्रेडिएंट, वो है मीठा सोडा। इससे ना आपके कोफ्ते बिल्कुल रूई जैसे सॉफ्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 पिंच लिया है मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। तो ये डाल लेते हैं। जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है ना उसमें कोफ्तों में जाता है पालक, लेकिन पालक क्या है कि हर वक्त घर पे अवेलेबल नहीं होता। तो आज मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है हमारे कोफ्तों को, 1.5 टीस्पून। और इसका हम एक बैटर बना लेते हैं पानी डालकर। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे इसमें, मैंने ये 1/2 कप पानी लिया है, बहुत ज्यादा पानी नहीं जाता है।
हमारा जो बैटर है ना वो बन गया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और जो पानी है ना, इतना हमारा पानी बच गया है, तकरीबन 1/4 कप पानी मेरा लगा है। कढ़ी को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, स्टेयर कर लेते हैं हम कढ़ी को एक बार। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आया है कढ़ी का, अभी इसे 3 से 4 मिनट और लगेगा पकने में, तो इसे फिर से हम लिड से कवर कर देते हैं, इतने हम हमारे कोफ्ते तल लेते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल होल्ड हो रही है शेप इसकी, हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं करना है। मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं, फ्लिप कर लेते हैं। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं और लिड से कवर करके इसे सिर्फ 2 मिनट और कुक करेंगे। इतने हमारी कढ़ी कुक हो रही है ना, इतने हम कढ़ी के लिए तड़का बना लेते हैं। उसके लिए पैन में जाएगा 1 टीस्पून ऑयल। अब इसमें हम डाल लेते हैं 2 स्लाइस किए हुए अनियंस। अनियंस को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं, स्टेयर करते रहेंगे ताकि ये इवनली गोल्डन हो जाएं। अनियन हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप चाहें ना तो फ्राइड अनियंस का भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ ही ये तड़का हमारा जाएगा कढ़ी में। मिक्स कर लेते हैं एक बारी। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आपकी कढ़ी थोड़ी कम खट्टी बनी है तो फिर आप उसमें ना कढ़ी बनने के बाद थोड़ी सी बूंदे नींबू के रस की डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। थोड़ी सी इसके ऊपर जाएगी हमारी कस्तूरी मेथी, बहुत थोड़ी सी डालनी है इस टाइम इसे, तकरीबन 1/4 टीस्पून, दैट्स इट। मिक्स कर लेते हैं। हमारी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ी को कर लिया है सर्व, गार्निश कर लेते हैं थोड़े से तड़के से जो। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल बटन दिया है ना उसे जरूर दबाइएगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।